नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। शक्ति जिला के मालखरौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एसटीएस के पद पर कार्यरत डॉक्टर भागीरथी तिवारी पर डोमा के गांव के शिवचंद्रा ने टीबी दवाई के नाम पर पैसे की मांग करने और गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिवचंद्रा में रात्रि मालखरौदा थाना पहुंचे और लिखित शिकायत की और डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। मामले में मालखरौदा बीएमओ के सिद्धार्थ ने बताया कि इस घटना की पूरी जानकारी नहीं है, मरीज और डॉक्टर से बात नहीं हुई है। मामले को संज्ञान में लेकर डॉक्टर भागीरथी तिवारी गलत है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मरीज से दवाई के लिए पैसे की मांग की गई है तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र बरेठ की खास रिपोर्ट। तो टीबी का दवाई ले गए काल मालखरौदा, तो वहाँ बोलीस नहीं है करके बोलीस वहाँ, फिर नहीं है भैया कहूँ लह कर कहें तो 1000 देवे तो मिल जाही कहीस। फिर ओकर बाद ना फिर मैं कहे ना तो पैसा ला लेकर आबे दहाँ कहीस, तो मैं कहें मैं तो निःशुल्क है मैं बोले ना, तो वो का बोलीस निःशुल्क नो है पैसा लागित तोला कहीस। तो मैं कल मुख्यमंत्री आत वहाँ बोलियाँ कहे ना तो जा बोल लेबे जो करना है वो कर लेबे कहीस। फिर गाली गलौच करत रहीस आज शाम की 2 तारीख की। यहाँ पोस्टेड तिवारी द्वारा मरीज से गाली गलौच किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई, क्या अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि मेरी बात नहीं हुई है, मरीज से भी नहीं हो पाई है और तिवारी से भी बात नहीं हो पाई है। इसका संज्ञान कर लिया जाएगा और अगर तिवारी गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो टीबी की दवाई के नाम पर मरीज से पैसा लिया है, उसकी स्क्रीन शॉट भी है ना, क्या किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? स्क्रीन शॉट तो मैंने देखा है जो आपने दिखाया है, उसकी भी जानकारी ली जाएगी। अगर उसने पैसा लिया है तो उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।